पता है कि अब जम्मू में भी, जम्मू प्रोविंस में भी, सनासर में इस साल ऑनरेबल एलजी साहब ने ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन किया है और करीब करीब 3 लाख के आसपास बल्ब थे और काफ़ी वो 40 कनाल से ज़्यादा एरिया कवर है। आगे आने वाले टाइम में उसे और भी एक्सपेंड करने का है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट देखेगा उसे और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हेल्प रहेगी वो हेल्प हम लोग देंगे। उसी रेफरेंस में कि ट्यूलिप गार्डन है, लोगों को पता है और वहाँ पे एक नया इवेंट जो एनुअल रहेगा कि जब भी ट्यूलिप गार्डन ओपन होगा सनासर का, एक हम ट्यूलिप फेस्टिवल करेंगे जिसको नाम भी हम लोगों ने इसीलिए सनासर ट्यूलिप फेस्टिवल बोला है कि उसमें मेन अट्रैक्शन होगा जो हमारा ट्यूलिप गार्डन है और साथ साथ कल्चरल इवेंट रहेंगे। 2 दिनों का इवेंट है, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को। 26 को डिफरेंट टाइप के कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें हमारे लोकल जो सेलिब्रिटी परफॉर्मर हैं वो लोग परफॉर्म करेंगे और 27 को हमारी एडवेंचर एक्टिविटी रहेगी, नेचर वॉक रहेंगे और साथ साथ उसमें हमारे जो लोकल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उनका डिस्प्ले रहेगा। तो एक तरीके से 2 दिनों के लिए कि जो टूरिस्ट पटनी टॉप आए वो नाइट स्टे करे और सनासर में भी उसके लिए एक्टिविटी रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में जब से ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेट हुआ है उसके बाद से वहाँ पे फुटफॉल बढ़ी है। लोकल जम्मू से भी हमें जो मिल रहा है अपडेट कि लोकल जम्मू से भी लोग या और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं और जो टूरिस्ट है बाहर से उसके लिए भी एक नया अट्रैक्शन आया है कि ट्यूलिप गार्डन अभी तक श्रीनगर में था, जम्मू में भी ये आया है। तो एक नए तरीके से और पब्लिसिटी भी हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि लोग आएँ, वहाँ रुके, देखें या एटलीस्ट जम्मू में भी जो लोग हैं उनको पता रहे, उसी रेफरेंस में ये एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। तो 2 दिनों का है, 26 तारीख और 27 तारीख का। आप लोगों के अगर कुछ हो सवाल तो आप स्पेसिफिक तो आप लोग पूछें, फिर हम लोग अपडेट करते हैं। अच्छा, तो एक बार हम सीओ साहब से कहेंगे कि थोड़ा स्पेसिफिक ब्रीफ कर दें कि क्या क्या इवेंट कैसे है। थैंक यू सर, नमस्कार आप सबको। जैसे कि सर ने बताया ये 2 दिन का ट्यूलिप फेस्टिवल है 2023। ये फर्स्ट फेस्टिवल है जो सनासर में हो रहा है और इस तरह का इवेंट कभी भी सनासर में इससे पहले नहीं हुआ है। इसका मकसद करवाने का जो है वो है कि जो हमारे टूरिस्ट हैं, बेसिकली नॉर्मली जो टूरिस्ट पत्नी टॉप में आता है वो एक शॉर्ट स्टे के लिए आता है, उसके स्टे को एक्सटेंड करना है और उसको डिफरेंट एक्सपीरियंस देना है। पत्नी टॉप के अंदर जहाँ सराउंडिंग में जैसे सनासर हो गया या मानतलाई या डूडू बसंतगढ़ की तरफ आप जाएँ, शिवधार की तरफ जाएँ, तो बहुत सुंदर ट्रैक्स हैं। इस इवेंट में भी हमने एक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन रखी है जो हमारा एक बेहतरीन ट्रैक है, सनासर से शंखपाल अराउंड 9.5-10 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत सुंदर ट्रैक है और शंखपाल के मुकाम पे राजा शंखपाल का टेंपल है, बट बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके लिए एक ट्रैक भी रखा हुआ है। इसके अलावा दूसरी गेम जैसे हॉर्स रेस रखी हुई है, बोट रेसिंग है और दूसरे इवेंट्स भी जो हैं स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन के साथ जो मिलके हम कर रहे हैं वो भी रहेंगे। सर जिस तरह से टूरिज्म से लिंक है सारा कुछ और टूरिस्ट जाते भी हैं ऐसे डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, जम्मू के कई बड़े ऐसे लोग हैं जो इन जगहों पर नहीं गए हैं, तो लोगों को वहाँ तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें बिजी शेड्यूल होता है इन बिटवीन, तो क्या किस तरह से लोगों को अपील की जाएगी और क्या कुछ खास कुछ वाहनों के इंतजाम भी रहेंगे या फिर कुछ इस तरह का रहेगा ताकि लोगों को वहाँ तक ले जाया जा सके? मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू ने एक एफर्ट किया है कि वहाँ तक लोग पहुँच पाएँ जहाँ पे हम इवेंट्स करते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हुए ही मैं आपको बताऊँगी, जैसे कटरा में हमारे बहुत सारे पिलग्रिम टूरिस्ट आते हैं तो उनको भी सनासर ट्यूलिप गार्डन में पहुँचाने के लिए हमने इंतज़ाम किया है। जैसे कुछ लोग तो अपनी गाड़ियाँ कर लेते हैं, बट हमने SRTC बसेस जो हैं उनकी फैसिलिटी 25 26 और 27 अप्रैल को रखी है और ये बसेस जो हैं सुबह 9:30 बजे से लेके 9:30, 10 और 12 बजे वहाँ से निकलेंगी और वो वापस भी छोड़ेंगी। और इसी तरीके से जो कटरा है, कटरा से पत्नी टॉप में भी रेगुलरली जो है वो गाड़ी जाती है SRTC की। तो आने वाले इवेंट्स में हमारी यही कोशिश रहा करेगी कि जहाँ जहाँ भी इवेंट्स हों SRTC की व्हीकल्स जो हैं वो लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए जो है वो लगाई जाएँ और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स पे जो है उनको फेयर जो पैसेंजर होगा वो दे देगा ताकि उनको सहूलियत हो सके, कम से कम वो वहाँ तक
पहुंच सके और इवेंट जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो टूरिस्ट के लिए भी बन सके और जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी बन सके। ट्रांसपोर्टेशन की जो आपने अभी बात की है फैसिलिटीज को लेकर, सिर्फ पर्टिकुलर उसी फेस्टिवल के दौरान ही या किसी कहीं कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तभी के लिए कुछ रहेगा या कोई ऐसा आप स्केड्यूल तैयार करें कि जिसमें लोगों को भी अवेयरनेस हो भाई कि महीने में इस इन दिनों में भी आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे जम्मू से इजीली जो है आपको फैसिलिटी मिल सकती है अगर आपके पास अपना पर्सनल कोई कन्वेंस। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि हमने जैसे मैंने बताया कि हमने शुरुआत कर दी है MDSRTC जो है उनके साथ हमारी पूरी डिस्कशन हुई और उन्होंने ही आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में वी विल बी मेकिंग अ कैलेंडर जिस तरीके की एक्टिविटी जम्मू डिवीजन के किसी भी एरिया में रहेगी उसके पहले और जहाँ जहाँ ज़रूरत है SRTC की बसेस जो हैं वो रोपिन की जाएंगी ताकि टूरिस्ट जो हैं उनको सुविधा हो सके, उनको परेशान ना होना पड़े किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए। तो इस पर कार्य जो है वो जारी रहेगा और ये आने वाले दिनों में आपको इस पॉइंट पर और एडवांसमेंट मिलेगी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लोगों को वो चिंता का कारण जो है वो खत्म हो जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां पर पहुंच सके और इवेंट्स के दौरान भी पहुंच सके। इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो मीडिया के लिए पर्सनली अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू मीडिया को वहां तक ले जाने के लिए क्या कोई ऑप्शंस रखे गए हैं क्योंकि जितना मीडिया जाएगा उतना ज्यादा लोगों तक इवेंट्स के बारे में जानकारी। बिल्कुल, हम लोग कर लेंगे। एक जो हमारे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप या जिस पे रेफरेंस पे रहेंगे एक बस हम लोग जो लोग भी जाना चाहें अपना कंसेंट दे देंगे, हम लोग अरेंज कर लेंगे उसके लिए। जनरली देखा गया कि काफ़ी इस चीज़ की एक्टिविटी आपने रखी थी कि जिसमें मीडिया यहाँ का काफ़ी इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम आप इस चीज़ से थोड़ा सा कम हो गया। इवेंट तो प्रेस रिलीज हमें आ जाती है कि सो एंड सो हैज हैपेंड, तो दरअसल नहीं बिल्कुल कई बार होता है कि बिल्कुल आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मतलब कमी जैसे आपने बताया हम लोगों की तरफ से हो सकती है, लेकिन वो कमी भी कई बार बोनाफाइड रहती है कि जैसे अगर हमारे प्रोग्राम में इवेंट थोड़ा रिमोट हो रहे हैं जहाँ हमें भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी या अप्रोच की दिक्कत आती है, ऑफिसर्स जो लगे वहाँ पर हम लोग नॉर्मली आपको अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर हम आपको सर्विसेज नहीं दे पाएँ, सपोज़ पटनी टॉप सनासर ये ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ हमारे लिए इजी है या जम्मू के आसपास,